शहर में तैराक तैयार करने की मंशा से तरणताल बनाया गया है, लेकिन यह तरणताल अब कचरा वाहनों के धोने का अड्डा बन गया है। यहां पर तैराकों को तैयार करने की बजाय सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है, जहां कचरा वाहनों को धड़ल्ले से धुलाई की जा रही है। रीवा का एकमात्र तरणताल इन दिनों बदहाली से जूझ रहा है। ठंड के दिनों में लोग स्विमिंग पूल में नहाने नहीं जाते, जिसका पूरा लाभ उठा रहा है यहाँ का नगर निगम। जी हाँ, रीवा के तरणताल में खुलेआम कचरा गाड़ियों की धुलाई की जा रही है। यहीं पर सड़क साफ करने वाली गाड़ियों को भी खड़ा किया जा रहा है। हम आपको बता दें, रीवा का तरणताल सिविल लाइन एरिया में बना हुआ है। यहीं पर शहर का मशहूर वेंकट क्लब भी है, जहां पर दिन भर वीआईपी आते जाते रहते हैं। इसके ठीक सामने कलेक्टर, एसपी, आईजी समेत जिले के आला अधिकारी यहां पर रहते हैं। इसी सड़क पर स्थित है राजनिवास, जो कि बाहर से आने वाले वीआईपीओं को यहां पर रखा जाता है। शायद नगर निगम को इन सारी बातों की चिंता नहीं है, या फिर वह समझ ही नहीं पा रहा है कि इसका उपयोग क्या होना चाहिए। शायद नगर निगम के आला अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को कह रखा है अपनी मर्जी से, तभी तो खुलेआम वीआईपी रोड पर नगर निगम ने अपना सर्विस सेंटर खोल रखा है। शायद इसी का परिणाम है शिल्पी प्लाजा से लेकर काले चौराहे के बीच धड़ल्ले से खुलेआम सर्विस सेंटर चालू है, भले ही सड़क से निकलने वाला भीग जाए। अच्छा।